नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे फार्मा स्टॉक की जो अपने ऊपरी स्तरों से इतना ज़्यादा टूट चुका है, 30% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है जिस लेवल में अभी ट्रेड कर रहा है, वरना गिरावट तो और भी ज़्यादा भयंकर है। और इसके साथ साथ जो इस स्टॉक के लेकर के खबर आ रही है और जो सिर्फ स्टॉक के लिए दोस्तों पूरे के पूरे भारतीय के इस सेक्टर के लिए एक लगातार एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है, और जिसके कारण निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। प्लस कंपनीज या आप कह सकते हैं जो फर्म है बड़ी बड़ी, वो कदम क्यों नहीं उठा रही हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए, जिसके कारण एक विजिबिलिटी मिले, अगर चीज़ें ठीक होती है कॉन्फिडेंस मिले तो जानेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों फिर इसके कारण निवेशक आखिरी में परेशान ज़्यादा होते हैं, और क्या ये गिरावट एक लास्ट होगी और इसके बाद एक न्यू सेट ऑफ रैली आपको स्टॉक में देखने मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ल्यूपिन लिमिटेड, ठीक है ल्यूपिन लिमिटेड, और देखिए आज लगभग 2% से, ठीक है 2% से भी ज़्यादा की आपको गिरावट यहाँ देखने को मिली है दोस्तों। लेकिन सिर्फ ये 2% गिरावट प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, वो निवेशक जो स्टॉक में आज से लगभग 1 साल पहले निवेश किए होंगे, आप देखें वे ऊपरी स्तरों से, अगर मैं आपको बताऊँ वो ऊपरी स्तरों से आप देखें तो एक समय में तो लगभग 38% से ज़्यादा की गिरावट की है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 31% से ज़्यादा की गिरावट बनी हुई है। और ये गिरावट आज की जो न्यूज़ नहीं निकल के आ रही दोस्तों, ये आग में घी का काम करेगी। और आप देखें अभी अभी कुछ एक अप मूव दिखाना स्टॉक ने, देखे तो बस शुरू ही किया था ये गिरावट, लेकिन अब मुझे लगता है वापस एक गिरावट का दौर शायद शुरू हो सकता है। और अगर मैं आपको थोड़ा लेवल्स की चर्चा करूं तो ज़रा 5 साल चलते हैं पीछे, और यदि आप 5 साल पहले भी निवेश किए होंगे आप फिर भी स्टॉक में 36% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न में रहें। और देखिए जिसमें अभी ये ट्रेड कर रहा है ना दोस्तों, जिस लेवल में आप देखिए, ये देखिए ये एक बहुत तगड़ा लेवल है, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये जहाँ से बाउंस बैक किया है सबसे निचले स्तरों से वो है 648, यानी आप देखिए जो 650 जो कि स्टॉक का 5 साल का सबसे मजबूत लेवल है, ठीक है उन लेवल को देखेंगे, और 52 वीक लो देखेगा तो आप देखेंगे 583 है। लेकिन देखिए ये तो आज 52 वीक लो को भी तोड़ता दिखाई दे रहा है 655, और देखिए ये बहुत निगेटिव है। अगर 650 टूटेगा मैं आप बता दूं बिटवीन 590, ठीक है 590 to 610, ये स्टॉक के लिए इतना महत्वपूर्ण दोस्तों लेवल है ना कि जिसकी आप कह सकते हैं कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये गिरावट अगर ये यहाँ से इसको तोड़ता है तो आने वाले समय में एक बहुत ज़्यादा ह्यूज गिरावट आपको दिखाएगी। और मैं आपको बता दूँ इतना ही नहीं, अगर आपको मैं चीज़ें दिखाऊँ, आप देखें कि जो 650 का लेवल है ये क्यों खतरे में दिख रहा है, क्योंकि जो आज न्यूज़ निकल के आई है मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। आप पढ़ें USFDA issues warning letter to Lupin's Tarapur unit, एक और USFDA के warning Lupin के तारापुर के यूनिट से। और आप देखिए यही चीज की मैं बात कर रहा हूँ, USFDA से लगातार आप कह लीजिए कह सकते हैं वार्निंग लेटर आ रहे हैं, चाहे वो Lupin हो। कल परसों न्यूज आई थी Aurobindo Pharma को EIR का, इनके नॉर्थ कैरोलिना के कह लीजिए जो प्लांट है उसमें वार्निंग मिली है, और ये वार्निंग्स लगातार हमारी भारतीय फार्मा कंपनीज को कह लीजिए प्रॉब्लम पहुंचा रही हैं, और जिसके कारण एक मार्केट जो वैल्यू होती है आप कह सकते हैं जो एक रेपुटेशन होती है उसमें लगातार डेंट पड़ रहा है। आप न्यूज़ देखें द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA हैज इशूड अ वार्निंग लेटर टू Lupin's तारापुर महाराष्ट्र फैसिलिटी द कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी ने एक स्टॉक एक्सचेंज को जो स्टॉक एक्सचेंज को अपनी फाइलिंग देते हैं उसमें कहा कि भाई हमारे जो तारापुर का जो प्लांट है उसमें वार्निंग लेटर आया है। नाउ द फेडरल एजेंसी हैड इंस्पेक्टेड Lupin तारापुर फ्रॉम
मार्च 22 टू अप्रैल 4, मार्च से लेकर के आप देखें तो अप्रैल 4 तक ये पूरी इंस्पेक्शन चली है। और इसको लेकर के लुपिन का जो स्टेटमेंट आया है वो ये है दैट लुपिन ने स्टेटमेंट सेड इट डज नॉट बिलीव दैट वार्निंग लेटर विल हैव एन इंपैक्ट और डिसरप्शन ऑफ सप्लाईज ऑफ और द एग्जिस्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस फैसिलिटी। देखिए प्रॉब्लम ना मुझे इससे ज़्यादा ना एक रेपुटेशन की लग रही है कि हमारी भारतीय कंपनी भारतीय फार्मा कंपनीज को लगातार आप देखेंगे तो ये लेटर ये इशू लेटर किए जा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो दोस्तों ये मौका एक अच्छा तो हो सकता है निवेश का फॉर अ लॉन्गर टर्म, और अगर ये 600 के आसपास भी आता है तो ये बहुत अच्छी बैठ होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब एक बात समझिए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अब फार्मा कंपनीज को। देखना ये होगा कि किस तरह फार्मा कंपनीज इस चीज़ को टैकल करती हैं और एक कुछ बड़ा ठोस फैसला निकल के आता है कि नहीं। तो तब तक यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आएँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।